हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा होगा 22 मई। नया वीक शुरू होगा और ये जो वीक है, इस मंथ का लास्ट वीक है, इसमें हम सब ये प्लानिंग करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। और आपको मेरा फॉर्मेट पता हो, मैं हमेशा डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के आपके सामने कोई व्यू रखता हूं। तो सबसे पहले डेटा को देख लें। डेटा अगर हमारे पास देखें यहां पे निफ्टी का, तो जो निकल के आ रहा है ऑप्शन चैन, अब जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये ऑप्शन चैन है। ये जो ग्रीन कलर का डंडा होता है ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है, और जो पुट रेड कलर का डंडा होता है ये पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे ये डंडा लाल वाला सबसे ज्यादा होगा वो सपोर्ट, और जिस स्ट्राइक प्राइस पे ये डंडा ग्रीन वाला सबसे ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस कहलाता है। एक तो हो गया कि इस हिसाब से आप देख सकते हो, दूसरा इसमें होने वाले चेंज को भी देख सकते हो। अगर ये डंडा बड़ा हो रहा है तो दैट मीन्स वहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और अगर कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से, जैसे देखो कॉल का कम हुआ है ना, मतलब नेगेटिव नीचे की तरफ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस में कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। ओके, तो आप इसको यहाँ से प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं पीसीआर, जो पीसीआर है हमारा 0.85, ये एक साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट की तरफ इशारा करता है। इसमें ना कोई बुलिश होता है ना कोई बेरिश होता है, तो आपका जो व्यू देखेगा वो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है, यानी कि प्राइस को फॉलो करना है। ओके, और मैं आपको हमेशा कह रहा आ रहा हूँ पिछले वीक से ही कि ये जो पूरा माहौल चलने वाला है मई महीना, इसमें आपको प्राइस पे ज्यादा फोकस करना है, डेटा पे कम करना है। ओके, तो डेटा साइड में रखो, प्राइस सेक्शन पे ट्रेड करो, प्राइस सेक्शन को फॉलो करो, और अगर नहीं आता तो वो सब सीखने के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे हमें डेटा मिला है 0.85। रेजिस्टेंस देखिए, तो रेजिस्टेंस हमारे पास है 18,200 का, और वहीं पे सपोर्ट भी है। क्यों? क्योंकि कॉल का वाई ज्यादा है, पुट का वाई वहीं पे ज्यादा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों 18,200 पर ही हैं। लेकिन अब चूंकि 18,200 के नजदीक है, स्पॉट हमारा जो है 205 है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रांग है, सपोर्ट थोड़ा सा वीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या, कल मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करी, ओके, या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाने लगे, और उस केस में कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगे और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे 18,200 के स्ट्राइक का, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट 18,200 के नीचे जाए, थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए, या फिर फ्लैट खुलकर के नीचे जाए, और उस केस में 18,200 का कॉल का ओवाई बढ़ने लगे और पुट का ओवाई कम होने लगे, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। ओके, तो इसको आप मान के चलो। अब अगला रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट कितने का होगा, 18,000 का होगा। रेजिस्टेंस कितने का होगा, 18,300 का होगा। तो रेजिस्टेंस पास है, सपोर्ट थोड़ा सा दूर है। ओके, तो ये आप मान के चलो। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या इशारा कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो इशारा है ये साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट का है, तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करने पड़ेंगे। बड़ा टारगेट्स मत एक्सपेक्ट करो, छोटे छोटे ट्रेड्स करो। और किस तरीके से व्यू निकल के आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब डेटा के साथ चार्ट को देख लें, तो चार्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करो। प्राइस सेक्शन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, होता है, और सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे करो, जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड करोगे, तो ये आपका दिखेगा कि मेन ट्रेंड में आपका मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे कर रहा है, शॉर्ट टर्म में आपका मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर उसके बाद ये करेक्शन है। ओके, तो मार्केट कैसे चलता है आपका, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, फिर इंपल्सिव, फिर करेक्टिव, उसके बाद अगर साइडवेज होकर के ट्रेंड चेंज होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन जोन, तब उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी वो सब दूर की बात है, हम इंट्राडे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी मार्केट किस फेज में है, मार्केट करेक्टिव फेज में है। मेन ट्रेंड क्या है, मेन ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाई करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे है। लेकिन अगर मैं मार्केट में आपको दिखाना चाहूं, तो मार्केट आपका देखिए, जब नीचे आ रहा था उस टाइम पे रेजिस्टेंस जब आपका बना यहाँ पे, और मार्केट जब नीचे आया, तो वॉल्यूम बढ़ी हुई है। अब ये जो वॉल्यूम होती है ना, ये आपको बताती है कि मार्केट आपका नीचे जाने की संभावना है। ये सब देखो, ये जो मैं एनालिसिस सिखा रहा हूं ना, ये सब कोर्सेस में मिलता है, पेड कोर्सेस मिलता है, ये सब आपको नॉर्मल जगह नहीं मिलेगा मतलब, बट आपको चूंकि एनालिसिस सिखाना मेरा काम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। दोनों में जरा चेंज को देखो, यहाँ पे जब मार्केट गिरा था उस टाइम पे ये जो ओपन इंटरेस्ट, सॉरी मेरे मुंह से ओपन इंटरेस्ट निकल रहा है, यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो कैसा था, और जब यहाँ पे मार्केट गिरे तब आपका वॉल्यूम कैसा था। तो वॉल्यूम सपोर्टेड डाउन मूव कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी गिरा, वॉल्यूम भी बढ़ी। यहाँ पे जब मार्केट गिरा था वॉल्यूम नहीं बढ़ी थी, वॉल्यूम फ्लैट थी। तो इसका मतलब यह है कि ये एक जो मूव था ये छोटा सा करेक्शन था, यानी कि जहां पे कमजोर लोग निकल रहे थे बाहर, जो कमजोर बायर थे वो लोग निकल रहे थे, बाकी मेन जो बायर थे वो लोग पकड़ के बैठे हुए थे,
और मेन बायर कौन है, स्टॉकियन, जो मेरा वीडियो देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे काफी दिनों पहले से बता रखा है कि बाई करो, बाई करो, कुछ मत करो, सिर्फ बाई करो। ओके, अब आगे बढ़ो। ये जो मूव है ना, ये नेगेटिव मूव है, तो ये मुझे थोड़ा सा डर पैदा करती है मार्केट में। सिंपली देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, डर पैदा करती है। लेकिन उसके बाद ये जो मूव आया ना, इसमें आप देखो तो इसमें वॉल्यूम उतनी ही लगभग है, बरकरार है। और ये जो कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। तो अब हम फर्दर बेरिश कब होंगे, फर्दर बेरिश हम होंगे इसके नीचे, जो कि है 18,060। जब तक नहीं टूटता है तब तक मार्केट हमारा फर्दर बेरिश नहीं होगा, हमें ये मान के चलना है। और 18,060 टूटेगा तो हमारा आएगा क्या, 17,885। ये फिर लेवल आ जाएगा। तो जब तक ये नहीं टूटता, क्योंकि ये देखिए आपका, इसको देखेंगे आप अगर, तो ये एक तरीके से इसको मैं कह दूं तो ये एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसमें वीक नीचे और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। लेकिन अगर इसके नीचे चला गया तो फिर मार्केट में सेलिंग ट्रैप हो जाएगा, मतलब सॉरी, बायर ट्रैप हो जाएगा, मार्केट आपका नीचे चला जाएगा। जिसने भी बाई करने का यहाँ पे प्रयास किया है, वो फिर आपका फेल हो जाएगा और मार्केट में फिर से लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी, और जो सेलिंग कंटिन्यू वो करेगी। तो अब हमें सेलिंग कहाँ पे करना है, तो हमें सेलिंग इसके नीचे करनी है। ये पूरा प्राइस सेक्शन है, आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो अभी के हिसाब से मेन जो था डाउनफॉल वो नेगेटिव था, मतलब वहां पे वॉल्यूम सपोर्टेड था, वहां से व्यू निकलता है नेगेटिव। लेकिन यहां से जो व्यू निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा बुलिशनेस का इशारा कर रहा है। तो अब हम इसमें होने वाले चेंज को देखेंगे। ओके, ये देखो, इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस सेक्शन को अंडरस्टैंड किया करो। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट में। अब 15 मिनट में अगर चलूं तो प्राइस सेक्शन क्या है, यहाँ पे देखो प्राइस सेक्शन, सिंपली सेल कब करेंगे, सेल करेंगे इसके नीचे, और इसके ऊपर हम बाई का ही प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइंग की कैंडल बनी थी, तो हम इसके नीचे जब तक नहीं जाता 18,060 तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे भी हम बाई करने का प्लान करेंगे, बाई द डिप। अगर इसके ऊपर निकल करके इसके ऊपर निकल जाता है 250-260, तो फर्दर हम फिर बाई का प्लान करेंगे। तो हमारा जो कल के लिए व्यू होगा, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ थोड़ा सा है, तो मार्केट आपका ये ऐसे कुछ इस तरीके से प्लान करेगा। अगर फिर इसको जाना होगा तो इस तरीके से प्लानिंग होगी। ओके, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। मार्केट को अगर जाना होगा तो ऐसे जाएगा, फिर एंड तब जाएगा। ये मैं थोड़ा आपको दिखा दूं पूरा पैटर्न। ये देखो, अगर इसको निकलना होगा ना, तो ये पहले एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद हायर हाई बनाएगा। जब हायर हाई बन करके ऊपर जाएगा तो ही आपका ब्रेकआउट होगा, और उस टाइम पे क्या होगा, एक आपका असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनेगा। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, ऐसे होता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो ही ब्रेकआउट होगा, तो ही आप समझोगे एक फर्दर ऊपर जाएगा। वो आने वाले एक दो दिनों में होगा, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, बट ये पूरा प्राइस सेक्शन अंडरस्टैंड करो। सिंपली तो हमें सेल कहां पे करना है, हमें सेल करना है इसके नीचे 60 के नीचे, और यहां पे हमारा जो लेवल है 18,115। फ्लैट अगर मार्केट खुला यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बाइंग का अगर कोई भी रिवर्सल मिलेगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, और बाई की प्लानिंग कहाँ पे होगी, 140 से लेकर के 115, 18,140 से लेकर के 18,115 तक हम बाइंग करेंगे। बाई द डिप का हमारा थोड़ा सा प्लानिंग होगा, यहाँ पे अगर कोई बाई करने का इशारा मिलेगा तो हम बाई करेंगे। लेकिन प्रॉपर 5 मिनट पे बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तभी बाई करोगे। बाइंग का रिवर्सल क्या होता है, कोई एक हैमर कैंडल, देन उसके बाद बुलिश, या फिर एक आपका बुलिश इंगल्फिंग, या फिर बुलिश पियर्सिंग लाइन, ऐसी कैंडल्स बनेंगी तो ही आप बाई करोगे। पहला टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आकर के दूसरा टारगेट आपका ये वाला बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपका इसको आए और इसको एक ही कैंडल में तोड़ दे, फिर उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तब आप सेल करोगे, तब फिर आपका नीचे वाला टारगेट हो जाएगा। तो ये भी आप एक सेलिंग का प्लान करोगे। ओके, और फर्दर इसके नीचे जाना है, जब हमारा फर्दर सेल होगा इसके नीचे हम जाएंगे तब। हम ऊपर कहां पे बाई कर सकते हैं, ऊपर बाई कर सकते हैं इसके ऊपर, जब ये टूटेगा तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो जाए। अगर मार्केट आपका कल ऊपर खुला, थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर जाने लगा, और तब जब आपका ये लेवल टूटेगा, या फिर अगर लेट से पहले हाफ में ही ये टूट गया, मतलब गैप अप थोड़ा सा खुल गया, गैप अप की उम्मीद बहुत कम है, अगर फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है, तो अगर इसके ऊपर चला गया तो ये हमारा जो लेवल है 18,255, 255 के अगर ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, फिर नीचे आएगा, फिर जब उसका ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करोगे। ये आपका प्लानिंग होगा, पहला टारगेट आपका निकल कर जाएगा 375 का। तो ऊपर हमें इस तरीके से प्लान करना है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कुछ दिनों से बुलिश थी, लेकिन अभी जब हम कल का मोमेंट देखें तो कल के मोमेंट से हमें निफ्टी ज्यादा बुलिश दिखाई दिया। ओके, तो इसमें जो क्लियर कट दिखाई दे, ये देखिए अच्छे से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बेस बनाया है। ओके, बेस बनाने के बाद देन इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये पूरा एक बेस जो है सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। ओके, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं देखूंगा क्या, मैं देखूंगा ये वाला एरिया जो कि है 43850 और 800,
850 850 से लेकर के 800 43,850 से लेकर के 43,800 हम अगर मार्केट यहाँ पे आया हमारा निफ्टी ओके, ये 15 मिनट का कैश का चार्ट है याद रखिएगा, इसमें अगर आया तो हम यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल देख करके बाइंग करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 790 का ले लो, 790 का ओके तो इस पूरे जोन में अगर कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा 5 मिनट पे तो हम बाई करेंगे, हमारा पहला टारगेट 44,000 का हो जाएगा ऊपर की तरफ ओके okay? अगर बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो ही बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये हमारा पहला बाइंग का प्लान है। दूसरा क्या होगा प्लान, ये देखिए जो एरिया है ना ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे एक बार दो बार तीन बार फिर यहाँ पे तो अब अगर इस एरिया को क्रॉस करेगा जो कि है आपका सीधे सीधे अगर मार्केट आपका ऊपर जाकर के 44,050 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 5 मिनट की क्लोजिंग एक और 15 मिनट की, मैं कहता हूं 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करो, अगर इसके ऊपर 44,050 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाए तब उसको थोड़ा सा नीचे आने देना और फिर बाई करना, आपका पहला टारगेट जो होगा वो 44,200 का ऊपर की तरफ निकल के आ जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगा। तो अगर फ्लैट खुला ऊपर गया तो यहाँ पे आप बाइंग करोगे और यहाँ से थोड़ा सा बाई द डिप का प्लान करना है, लेकिन शॉर्ट भी कब करोगे, शॉर्ट तब करोगे जब ये 790 का लेवल टूट जाएगा, तो 790 का अगर लेवल टूट गया 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो आप शॉर्ट करोगे, पहले आपका टारगेट नीचे की तरफ 43,600 की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोग नए हैं कि कैसे शॉर्ट करेंगे, देखो अगर इसको तोड़ना होगा ना तो एक ही कैंडल में ये 5 मिनट का तोड़ देगा तो समझो शॉर्ट करना है, पुल बैक में शॉर्ट करना है, लेकिन अगर इसको सपोर्ट लेना होगा ना तो आएगा सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा तब आप बाई करोगे, तो सपोर्ट लेना होगा तो सपोर्ट लेगा और अगर तोड़ना होगा तो एक ही कैंडल में ये तोड़ देगा, तो इसको अच्छे से प्लान करो और ये प्लानिंग अच्छे से देख करके चीजों को नोट करो। फिर भी लाइव मार्केट में अगर इन सब के अलावा कोई अपडेट होता है तो मैं अपने यहाँ पे चैनल पे शेयर करता हूँ, ये सब आप जो है कि इसको देख लीजिए, क्लियर। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, सिंपली ना अगर काम करे लिंक तो टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी एनिमिस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि वहां पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट आपको देता रहता हूं कि कौन सा स्टॉक सही या फिर किस जगह पे बाई करना चाहिए सेल करना चाहिए, तो जो बेसिकली प्री मार्केट वीडियो होता है उसका अपडेट लाइव मार्केट में आपको वहां पे मिलता है, तो आप उसमें गलत ट्रेड करने से बच सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आपका कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन या फिर क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।